ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइबिंग के साथ बेल आइकन को दबाइए और भी सारा टाइम की सारी नोटिफिकेशन पाइए। नए बजट में अरे यार पीछे आओ तुम यार, शिक्षा के लिए जो पैसा आवंटित करती है सरकार उसको भी कम किया है उन्होंने, हेल्थ का भी बजट कम किया है। और ये बात ये दिखाती है कि हमारे देश की सरकार की प्राथमिकता क्या है। तुम यार बड़े परेशान हो, उनकी प्राथमिकता है पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना। थोड़ी पीछे करो, 45 वर्षों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा हो गई, देश की GDP 4.5% पहुंच गई, 10.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों का NPA हो गया है, जहां पे आम आदमी के लोगों का जो पैसा जमा है आज बैंकों में, वहां से हजारों करोड़ रुपए निकाल के पूंजीपति देश छोड़ के भाग रहे हैं। कभी विजय माल्या भाग जाता है, कभी ललित मोदी भाग जाता है, कभी नितिन संदेसरा भाग जाता है, और सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। असली मुद्दे आज पीछे हटते जा रहे हैं। एक चपरासी की भी नौकरी निकलती है तो उसमें लाखों लोग जो डॉक्टरेट किए हुए हैं, BTech किए हुए हैं, वो लोग अप्लाई करते हैं। तो बेरोजगारी इस देश में 45 वर्षों में सबसे ज़्यादा हो गई, महंगाई बढ़ गई, GDP नीचे जा रही है, सेंसेक्स लुढ़क रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे जा रहा है, लेकिन इन मुद्दों पे बात ना हो इसलिए पूरे देश को नकली मुद्दों में देश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी उलझाए रहती है। मुझे लगता है इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। और जो शिक्षा का मुद्दा है, चिकित्सा का मुद्दा है, जो दिल्ली में करके लोगों ने दिखाया कि आज दिल्ली में केजरीवाल के विकास मॉडल की चर्चा हो रही है, आज अमेरिका की प्रथम महिला भी दिल्ली के स्कूल को विजिट करने के लिए आ रही है। तो ये सरकारों का काम होना चाहिए कि वो जनता की कैसे अच्छी से अच्छी सेवा कर सकती है, और चुनाव में जाइए तो उसके नाम पे वोट मांगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा अगर हमने काम किया तो वोट दीजिएगा, नहीं किया तो मत दीजिएगा। तो मैं समझता हूँ कि आज केजरीवाल का जो विकास का मॉडल है, केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, वो अपनाने की ज़रूरत है। दूसरे राज्य भी अपना रहे हैं उसको, उस पर चलने की ज़रूरत है। यूपी में कब लाएंगे? जरूरत उत्तर प्रदेश में भी है। यूपी में कब मॉडल? सर दिल्ली में आपकी सरकार है, क्या वो शाहीनबाग के धंधे को सपोर्ट करेगी? यूपी के अंदर आप देख रहे हैं हालत सरकारी स्कूलों में। आपकी नीति क्या रहेगी? सर शाहीनबाग धरना जो 17 विधायक हमारे जीते हैं, 5 मंत्री जीते हैं, उनका कार्यक्रम करा के इसी केजरीवाल के विकास के मॉडल पे चर्चा होगी। शाहीनबाग के धरने की बात आपने की, शाहीनबाग का धरना CA के खिलाफ है, CA के प्रोटेस्ट को लेके वो लोग हैं वहाँ पे। केंद्र की सरकार वहाँ बैठी हुई है, पुलिस उनके अधीन है, और केंद्र सरकार को वार्ता करनी चाहिए। कल केजरीवाल जी मिले हैं सर गृहमंत्री से? अब तक संवाद नहीं, वो तो एक प्रोटोकॉल है, मिलना पड़ता है किसी भी मुख्यमंत्री को, गृहमंत्री और प्रधानमंत्री। अभी